नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखा रही हूँ एक नई किस्म से कढ़ी, जिसको कहते हैं हम डबका कढ़ी, और ये हमारी गुजराती कढ़ी है। जिसके लिए ये लिया है मैंने छाछ, और साथ में मैं यूज़ करूँगी बेसन, और जो रेगुलर मसाले हैं कड़ी पत्ता, मेथी दाना, और ये राई और हींग। तो चलिए सबसे पहले हम अपने छाछ में बेसन डालते हैं। तो ये मेरा दही का छाछ है, इसमें मैं डालूंगी ये बेसन, और बेसन डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। ये सब डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। डबका कढ़ी एक बड़ी स्पेशल गुजराती कढ़ी है, जिसके अंदर हमको जो पकौड़ी हम बनाते हैं वो पानी की पकौड़ी होती है, उसमें हमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, क्योंकि यूपी में और इस साइड नॉर्थ में जब हम कढ़ी बनाते हैं तो हम अलग अलग करते हैं, पहले तेल करेंगे फिर पकौड़ी बनाएंगे, तो हम इस प्रोसेस को कम करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने पैन में तेल डाल दिया, और इसके अंदर मैंने डाल दी हींग, और मैं डालूंगी इसके अंदर ये दो मिर्च, और ये कड़ी पत्ता, ये तेजपात का पत्ता डाल देंगे, और इसके बाद मैं डालूंगी ज़रा सा इसमें मेथी दाना। मेथी दाना कड़ी के अंदर बहुत ही ज़रूरी होता है, और साथ में मैं डालूंगी ये राई। ये देखिए, ये राई डाल दी, और मैं डालूंगी कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते के साथ ही मैं डाल दूंगी ये मेरा छाछ, क्योंकि कड़ी पत्ता उछलता है। और ये देखिए, इस टाइम पर मैं डाल दूंगी ये मेरी छाछ। अब आपको पता ही है कड़ी का मतलब होता है इसको कड़ाना, तो मैं और पानी डाल के कड़ी को रख दूंगी पकने के लिए। ये मैंने काफी सारा पानी इसके अंदर डाला है, क्योंकि आपको पता ही है कि कड़ी को हमें खूब पकाना होता है। और अब हम करेंगे अपनी डबका कड़ी की पकौड़ी की तैयारी। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं, जब तक हमारी कड़ी पक के हो रही है तैयार। तो देखिए, इसके लिए मैंने पकौड़ी के लिए ले लिया बेसन, और मैं डाल रही हूँ इसमें बेकिंग सोडा ना डाल के मैंने इसमें डाल दिया इनो। चॉइस है आपकी, अगर आप चाहें तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। साथ में मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर, थोड़ी सी मिर्च, हल्का सा नमक, क्योंकि हमारी कढ़ी में ऑलरेडी नमक है, और मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग इस तरह से, और थोड़ा सा तेल। देखिए बस, और अब इसको जैसे हम पकौड़ी के लिए करते हैं, इसमें मैं डाल दूंगी धनिया पत्ती, और हम इसको चला लेंगे। तो चलिए मिलते हैं पकौड़ी बनाने के प्रोसेस में। अब ये देखिए, जब आपकी ये कढ़ी उबल रही हो तो उसी टाइम पे आप डाल देंगी इसके अंदर ये पकौड़ी। ये देखिए, ये इस तरह से इसके अंदर ये पकौड़ी डायरेक्ट पकेगी। ये देखिए, हमें ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ऐसे डालिए, और ये बन गई आपकी बढ़िया पकौड़ी। तो इसको हम कहते हैं डबका कढ़ी, गुजरात की काठियावाड़ की ये कढ़ी है, जिसमें वो ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते। तो सीधा आप पहले कढ़ी छोंकिए, और जब कढ़ी में उबाल आ जाए तो आप ये पकौड़ी डाल के इसी में पकौड़ी को पका लीजिए। ये देखिए, तो बस अब हम इसको पकने देंगे, हमारी पकौड़ी भी इसमें हो जाएगी तैयार। तो है ना ये मिरेकल, अब आज के बाद आपको तेल में पकौड़ी बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये देखिए,
बढ़िया पकौड़ी बनके हो गई तैयार, ये आप देख सकते हैं। और बिना आपने ऑयल के बना ली ये कड़ी, और अब मैं इसकी करूंगी प्लेटिंग की तैयारी। तो चलिए गैस को करते हैं बंद और इसको खाली करते हैं हम एक सर्विंग बोल में, है ना बढ़िया। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को, और मैं लगाऊंगी इसके अंदर एक तड़का। तो बस ये मेरा तड़के का बर्तन है जिसके अंदर मैंने डाल दी राई, और मैं इसके अंदर डालूंगी कड़ी पत्ता। आप देखिए कड़ी में हमेशा ही एक बघार लगाना बहुत जरूरी है, और इसी में मैं डालूंगी थोड़ी सी ये लाल मिर्च, और मैं एक बार और इसको पका लेती हूँ। ये देखिए, और बस अब हम डाल देंगे इसको इस कड़ी के ऊपर। ये देखिए, ये हो गई हमारी बक्का कड़ी तैयार। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव सच इनोवेटिव रेसिपीज़।